हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी न्यू फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, फाइनली स्टूडेंट जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के न्यू फॉर्म कब से आएंगे, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन निकली हमारे द्वारा की गई, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी विभिन्न शासकीय व निजी प्रशिक्षण केंद्रों में पैरामेडिकल प्रशिक्षणों एवं यथा जैसे LT, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, फार्मेसी एवं KGMU द्वारा संचालित डिप्लोमा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आगामी सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्व की भांति प्रवेश का आधार 10वीं व 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के जोड़ के आधार पर होगा। इस हेतु कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। कृपया कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर विस्तृत सूचनाएं देखें। ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर से 21 नवंबर तक ही प्राप्त किए जाएंगे। दो स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के न्यू फॉर्म, उनके लिए खुशखबरी देने वाली है। जो स्टूडेंट इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अब वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी डायरेक्ट। और ये आवेदन जो प्राप्त किए जाएंगे 30 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक ही प्राप्त किए जाएंगे। इनमें LT यानी लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, फार्मेसी और KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा लगभग 10 कोर्स संचालित किए जाते हैं। इनमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। इसमें प्रवेश का आधार आपके टेंथ की परसेंटेज और 12th की परसेंटेज, इनको दोनों कंबाइंड करके आपके प्रतिशत के जोड़ के आधार पर आपका प्रवेश लिया जाता है। इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। लास्ट ईयर भी हमारे चैनल द्वारा पूरा कवर किया गया था उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को। इसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की थर्ड राउंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में जल्द ही हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आपके पास तुरंत वीडियो आ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट नए फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कन्फर्म करा लीजिए, क्योंकि आपके ऑनलाइन आवेदन 21 नवंबर 2020 तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।